नमस्कार, चराहट के हिंदी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। रक्षाबंधन 2019 इस बार 15 अगस्त को पड़ रहा है। आज हम आपको बता रहे हैं कि रक्षाबंधन पर भाई को तिलक और चावल लगाकर ही क्यों बांधी जाती है राखी, आखिर इसके पीछे क्या रहस्य है, आइए जान लेते हैं। रक्षाबंधन पर भाई को तिलक और चावल लगाकर ही क्यों बांधी जाती है राखी, यह जानना आपके लिए बेहद ही आवश्यक है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार तिलक को विजय और गौरव का प्रतीक माना जाता है, तो वहीं चावल को शुभ माना जाता है, इसलिए प्रत्येक शुभ काम में इन दोनों का प्रयोग किया जाता है। रक्षाबंधन पर भाई को तिलक और चावल क्यों लगाया जाता है? दोस्तों, राखी क्या आप इसके बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो आज हम आपको इसके बारे में बता रहे हैं। शास्त्रों में तिलक को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। माना जाता है कि तिलक के बिना कोई भी पूजा अधूरी होती है। इसी के साथ चावल को शुभता का प्रतीक माना गया है। रक्षाबंधन का पर्व 15 अगस्त 2019 के दिन पूरे भारतवर्ष में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। यह त्यौहार भाई बहन को समर्पित है। तो आइए जानते हैं रक्षाबंधन पर भाई को तिलक और चावल लगाकर क्यों बांधी जाती है राखी। रक्षाबंधन पर सभी बहनें अपने भाई को राखी बांधने से पहले उसका तिलक करती हैं और उस तिलक पर चावल लगाती हैं। लेकिन क्या आप जानती कि ऐसा क्यों किया जाता है? शास्त्रों में इसके पीछे का कारण क्या बताया गया है? अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो आइए हम आपको बताते हैं। शास्त्रों के अनुसार लाल चंदन, रोली, सफ़ेद चंदन, भस्म आदि का तिलक शुभ माना जाता है, इसलिए किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले तिलक किया जाता है। इसलिए रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई को तिलक करती हैं। यह तिलक मस्तिष्क के बीच में यानी चेहरे पर दोनों भावों के बीच में किया जाता है। तिलक के लिए रोली, लाल चंदन, सफ़ेद चंदन का प्रयोग किया जाता है। तिलक को विजय, पराक्रम, सम्मान और श्रेष्ठता का प्रतीक माना गया है। तिलक करने के बाद उस तिलक पर चावल अवश्य लगाए जाते हैं। राखी का त्यौहार पूर्णिमा के दिन पड़ने से चावल का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। पूर्णिमा के दिन चावल का बल अधिक होता है और चावल को चंद्रमा की वस्तु माना जाता है। चंद्रमा जो मन का कारक भी माना जाता है। तिलक के ऊपर चावल लगाने से मन और मस्तिष्क दोनों में शांति का वास होता है। कच्चे चावल सकारात्मक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। इसी के साथ कच्चे चावल को सिर के पीछे फेंकने का भी रिवाज है। माना जाता है कि चावलों को आगे की ओर सिर के पीछे की तरफ फेंकने से नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, जिसके बाद वह व्यक्ति जिसके ऊपर से चावल फेंके गए हैं वह अपने जीवन को सकारात्मक रूप से जिए और उसके आसपास भी नकारात्मकता ना भटके। तो आज हमने आपको बताया कि आखिर क्यों चावल और तिलक का महत्व है रक्षाबंधन पर। तो हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो को काफ़ी पसंद आई होगी। यदि आज की वीडियो को पसंद आए तो आप इसको अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।